दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना है, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती जाएगी। सो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ तुम के बारे में। जी हां दोस्तों, सिर्फ तुम सीजन 2 रिलीज डेट, व्हाट यू नीड टू नो, इसके बारे में करने वाले बात। हर चीज आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जब जाके मिलेगी नोटिफिकेशन। और मैं चाहूंगा जल्द से जल्द हम 1 मिलियन के करीब पहुंच जाए, तो जिसे नहीं करके रखा है तो कर लीजिए। सो गाइस, मेरा नाम है तंजीर खान और आप देख रहे हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अब सिर्फ तुम एक ऐसा शो रहा है जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया, बहुत ज्यादा फेम मिला और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसमें हमें नजर आते थे विवियन डीसेना, इसमें हमें नजर आते थे ईशा सिंह, दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा बेहतरीन थी। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इन दोनों को और लोग अब चाहने लगे हैं कि ये दोनों फिर से वापस आए। और यहाँ पे टीवी से जाने के बाद शो, मुझे तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि यार क्यों, अगर ऑफ एयर करना है तो टीवी से कर दीजिए, क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर करते हो। वैसे भी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शो तो आते ही है, एपिसोड तो वहीं पे देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे शो ट्रांसफर हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, फिर क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एपिसोड तो रहते नहीं है, कुछ एपिसोड लिमिटेड रहते हैं, फिर बंद हो जाता है शो। तो सिर्फ तुम के साथ पूरी तरह से ये हुआ। अब यहाँ पे याद किया जा रहा है सिर्फ तुम, क्योंकि सिर्फ तुम शुरू होना चाहिए और देखने मिलना चाहिए ये शो। तो यहाँ पे खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि जो शो है आप सभी का सिर्फ तुम, इसमें आप सभी को विवियन डीसेना और ईशा सिंह नजर आते हैं, वही आप सभी को फिर से नजर आ सकते हैं, वो भी एक और बार फिर से। कंफर्म तो मेकर्स की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन खबरें ऐसी है कि कभी भी किसी भी वक्त में शो शुरू हो सकता है उसका सीजन 2। अगर शो आता है तो धमाल मचा देगा और कमाल मचा देगा और लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस शो को। तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द ये शो शुरू हो जाए, जल्द से जल्द हमें देखने मिले और जल्द से जल्द ये बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आए।